अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं स्कूल से आ गई हूँ और लंच वगैरह करके हाथ मुँह धो के दोबारा से फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कहीं को जाना है एक इम्पॉर्टेंट काम से। जी, ये वही इम्पॉर्टेंट काम है जिसे मैं पहले भी गई थी अम्मी के साथ। अम्मी का और मेरा आईडी कार्ड बना था, अब बनवाना है हिबा का बे फॉर्म। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट जो थी वो तब कम्प्लीट नहीं थी, तो अभी हम सारी चीज़ें वगैरह मुकम्मल करके लेके जा रहे हैं नादरा के ऑफिस। ये हिबा भी रेडी हो गई हैं, हाय कर दें। तो बाइक पे जाना है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम भी करने ज़रूरी होते हैं तो हम निकल रहे हैं। अम्मी पर्स दे दें, ये पर्स है, इसमें मैंने रख दी सारी ज़रूरी चीज़ें। तो जाते हैं, तो अल्लाह करे अल्लाह करे कोई प्रॉब्लम ना हो, रश भी ज़्यादा ना हो, आराम से हमारा आईडी कार्ड हिबा का जो है वो बेफॉर्म बन जाए। अच्छा मी, दुआ कीजिएगा काम हो जाए, रश ना हो। जब हम लास्ट गए थे कितना रश था, आमीन। हिबा तो बाइक पे बैठ गई है, अब मैं भी चलती हूँ और बाइक पे बैठती हूँ। दरवाजा बंद कर ले। हिबा का बर्थ सर्टिफिकेट तो लिया ही नहीं। अम्मी कहीं छो, अम्मी हिबा का बर्थ दे दे, कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट। घर से निकलने के बाद मैंने सोचा कि चीज़ें चेक कर लूँ, तो एक दो चीज़ें मिसिंग थी वो लेने, दोबारा घर आए हैं वो ले लें, तो फिर चलते हैं। अभी तो देखे वहाँ पहुँचे नहीं और दूसरा चक्कर घर का लग गया है, तो बस अब अल्लाह करे खैर के साथ काम हो जाए आज। गाइस, ये हम रास्ते में थे, हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, बाइक का टायर हो गया पंक्चर और हिबा को इतने ज़ोर की कोई नींद आ रही है। ये मैं हूँ, ये देखें हिबा बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। बाइक के ऊपर हिबा सो और सोते सोते आई है, और वो दिखाती हूँ आपको नहीं। ओ, हम हैं भी पुराने मंडी वाले रास्ते पे। बहुत तो शुक्र है कि यहाँ पे एक बाइक वाला मिल गया, वरना पता नहीं हमें कितना रास्ते के अंदर परेशान होना पड़ता। अभी देखते हैं पंक्चर लग गया तो कहीं से, कहते हैं फटाफट बाइक स्टार्ट करें। और ये फ्रेंड्स, हम पहुँच गए नादरा के ऑफिस और यहाँ पे वैसे ही गहमा गहमी है जैसी होती है। अब जल्दी जल्दी टोकन लेकर अंदर जाते हैं, अल्लाह करे कि हमें इंतजार ना पड़े और जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं नादरा ऑफिस से वापस घर, और हमें इतना ज़्यादा वहाँ पर टाइम लगा है जितना हमने सोचा नहीं था। मेरी फ्रेंड भी आप देख सकते हैं पूरी रात हो चुकी है। जब हम वहाँ पहुँच रहे हैं, हालांकि हमने रास्ते से फोटो कॉपीज वगैरह सब करवा ली थी कि हमें वहाँ पर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमें टोकन नंबर मिला, उसके बाद 2500 नंबर हमारा था। तो तकरीबन 3 घंटे वेट करने के बाद हमारे साथ क्या हुआ, हमारा काम हुआ नहीं हुआ, के साफ सुथरी हुई हूँ तो सुकून आया है, वरना बाल मेरे ऐसे हुए हुए थे बिल्कुल लकड़ी, और स्किन पे इतनी इतनी मोटी जो थी वो मिट्टी के तेज जम गई थी। लेकिन घर आके मैंने शावर लिया तो माशाल्लाह सुकून हो गया। डिनर भी रेडी है, आलू गोश्त बनाए और साथ में राइस बनाए। 5-10 मिनट बाद डिनर भी सर्व करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ कि नादरा के ऑफिस में क्या यानी कि हुआ। जब हम गए हमें टोकन नंबर मिला है, तो हमारा टोकन नंबर था 250 नंबर्स के बाद। तकरीबन 2 आवर्स हम वहाँ पे बैठे रहे, और 2 आवर्स के बाद, बल्कि मैं एक दो लोगों के पास गई भी होंगे, मुझे प्लीज़ बता दें मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरी बेटी का बेफॉर्म बन जाएगा, और उन्होंने कहा जी जी बन जाएगा। फिर मैं और कहीं बैठे रहे, वेट करते रहे, और जब हमारी बारी आई है काफ़ी टाइम के बाद वहाँ गई हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप निकाह नामे की कंप्यूटराइज फोटोकॉपी दें। मैंने कहा ये तो किसी ने कहा ही नहीं था, तो अब वो करवाना है, साथ में एक फॉर्म है वो टेस्ट करवाना है। तो वो लेके हम घर आ गए कल। तो अभी लाहौर में स्मोक की हॉलीडेज अनाउंस हो गई हैं, कल पूरा लाहौर बंद है। अब थोड़े दिन, 2-3 दिन 4 दिन का गैप डाल के मैं सारे अपने जो अब उन्होंने बताई रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट करके फिर दोबारा से जाऊँगी नादरा का ऑफिस, तो हिबा का बे फॉर्म बनवा के रखूँगी, क्योंकि ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है
अब इंशाल्लाह ताला लाजमी टाइमली इसका ये बनवा के रखूँगी। बल्कि मैंने सारा को भी कहा है कि सारा अपने बच्चों के बेफॉर्म वगैरह कंप्लीट करके रखो, इन चीज़ों की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। और सरकारी काम तो आपको पता ही है कैसे हैं। बाकी कल हो गई है हमें सडन एक छुट्टी अनाउंस, लेकिन स्मोक के हवाले से है तो ये टेंशन है कि लाहौर पता नहीं क्यों पोल्यूटेड होता जा रहा है, ईयर बाय ईयर इसकी जो पोल्यूशन है वो बढ़ती जा रही है। अम्मी हनी वालों की लाइट कल से गई हुई थी और आज आई है फाइनली, शुक्र है खुदा का। आ गए कल से बहुत परेशान थी, मैंने तो एक इससे पूछे थे कि आ गई आ गई, अब शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है। और उसकी सास भी बेचारी गिर गई अंधेरे में, पेशाब थी बात वैसे इतनी कमजोर हो रही है और लगी है उनके बहुत जोर से। अम्मी खाना निकाल लूं? हाँ जी फ्रेंड्स, मैंने बनाया आलू गोश्त और चावल और आपको दिखाती हूँ आलू गोश्त कैसा बना है। ये देखें, ये आलू गोश्त रेडी हो चुका है और ये चावल दम पे रखे हुए, तो बस बुलाती हूँ वनी को और खाना निकालती हूँ। और ये रही मेरी दोनों डॉल्स, हिबा ब्लॉक्स खेल रही है और ईशा ने ये पकड़े हुए बबल्स। ईशा जाए गनी मामू को बुला लें, कहना मामू खाना रेडी है। ये गनी भी आ गया है, अलीना आ जाओ। तो फ्रेंड्स खाना रेडी है, मैं खाना निकालती हूँ और अलीना को भी बुला लिया है, वो भी आ रही है, तो जल्दी जल्दी खाना निकालती हूँ। अम्मी कैसा बना है? सही बना है, चलो शुक्र है। ये सर्व कर दिया है जी खाना, ये है सालन और ये है बच्चे और ये गनी की फेवरेट डिश है ना गनी। तो फ्रेंड्स मैं भी खाना खा लूँ और फिर आपको मजीद बताती हूँ कल क्या होने वाला है। खाना अगर हमने खा लिया है और कल का आप मैसेज आ गया कि कल छुट्टी नहीं स्कूल जाना है, तो टेंशन एक दफ़ा फिर शुरू हो गई है। अब जल्दी जल्दी काम समेटती हूँ क्योंकि सुबह है वर्किंग डे, सुबह जाना है स्कूल, छुट्टी कैंसिल हो गई है। हिबा लेटे और हिबा कह रही बस आपने एक दफ़ा कह दिया था छुट्टी है तो मैंने छुट्टी ही करनी है। आप सुबह देखें क्या होता है, हिबा जाती है मेरे साथ या ऑफ करती है। तो मैं भी जल्दी जल्दी सारा कुछ देखती हूँ कल का। और आज के व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करूँगी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इस दुआ के साथ भी लोग को एंड करेंगे कि पाकिस्तान ज़रूर जीते, परफॉर्मेंस तो बहुत ही शानदार है। आज तो हम इतना अपने चक्रों में रहे हैं कि कुछ और वैसे भी पाकिस्तान बाकी तमाम कंट्रीज से मैच तो जीत ही जाता है, इंडिया के साथ खेलते हुए पाकिस्तान को पता नहीं क्या होता है क्या होता है, स्टार्ट इतना अच्छा लगता है लेकिन एंड तक जाते जाते जो है परफॉर्मेंस डाउन डाउन होती जाती है। लास्ट दो तीन दफ़ा से ऐसे ही हो रहा है, इतने इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं लेकिन पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है। आज का मैच तो इंशाल्लाह ताला श्योर है कि पाकिस्तान जीतेगा। तो आज के व्लॉग को एंड कर ही दिया है, कल तक के लिए बाय बाय।